नमस्कार शाम के पांच बजने को हैं, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। टूट गई जोड़ी। जी हां, डिप्टी सीएम के पद पर अब सुशील कुमार मोदी की ताजपोशी नहीं होगी, ये बात करीब करीब साफ हो गई है। वहीं बिहार में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात करके अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। कल भैया दूज के दिन शाम 4:30 बजे नीतीश कुमार सातवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर मुहर भी लग गई, मगर अभी भी बिहार में राजनीतिक गलियारे में चर्चा गर्म है, क्योंकि अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि बिहार में उप मुख्यमंत्री कौन होगा। सुशील कुमार मोदी का पत्ता करीब करीब कट गया है, क्योंकि उनका ट्वीट इस ओर सीधे सीधे इशारा कर रहा है। वहीं बीजेपी की ओर से उप मुख्यमंत्री के लिए दूसरा कौन सा नाम होगा, इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है। और इतना ही नहीं, बीजेपी की बैठक में तारकिशोर को विधानमंडल का नेता भी चुना गया है, तो ये माना जा रहा है कि सुशील मोदी का पत्ता कट गया है। तो क्या तारकिशोर को इस बारे में जिम्मेदारी दी जा सकती है, यानी कि डिप्टी सीएम वो हो सकते हैं? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन कुल मिलाकर बिहार के रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन सस्पेंस बहुत सारे चेहरों और नाम को लेकर बना हुआ है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। डिप्टी सीएम होंगे कि नहीं? डिप्टी सीएम होंगे कि जो भी होगा आपको समय पर जानकारी देंगे। सुशील मोदी भी शपथ लेंगे, सब अभी कुछ देर के बाद पता चलेगा। उप मुख्यमंत्री को लेकर कोई चर्चा नहीं? कोई चर्चा नहीं। तो बिहार में एनडीए की बहार है, सातवीं बार नीतीश कुमार है। भले ही खींचतान हुई, भले ही जेडीयू को मशक्कत करनी पड़ी, भले ही जेडीयू की सीटें कम हुई, भले ही नीतीश कुमार का राजनीतिक रसूख घटा, मगर इन सब के बावजूद अंत भला तो सब भला। मुख्यमंत्री सातवीं बार नीतीश कुमार। महिंद राज्यपाल महोदय को उसका पत्र आज अभी दे दिया गया और उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया। इससे पहले रविवार की सुबह से ही पटना में हलचल थी। पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह बिहार पहुंचे थे, बिहार बीजेपी के सारे नेता मौजूद थे। सबसे पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में तारकिशोर यादव को विधानमंडल का नेता चुना गया और इसकी घोषणा भी ट्वीट करके सुशील मोदी ने की है। तारकिशोर जी को बीजेपी विधानमंडल का नेता सर्वसम्मति से चुने जाने पर कोटिशह बधाई। इस बैठक के बाद राजनाथ सिंह पहुंचे एनडीए की बैठक में। यहां बैठक हुई और तय हुआ कि इस बार भी बिहार की सत्ता नीतीश कुमार के हाथ में रहेगी, वही मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार जी का नाम एनडीए के नेता के रूप में प्रपोज किया और सारे लोगों ने समर्थन किया। गीता राम मांझी ने समर्थन किया, मुकेश सहनी ने समर्थन किया और जेडीयू ने भी समर्थन किया। सीएम का नाम तय हुआ तो तुरंत ही नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने पहुंच गए। मिलकर निकले तो विजयी मुस्कान थी, क्योंकि अंदर तय हुआ था कि भैया दूज के दिन यानी कल शाम 4:30 बजे सातवीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सुशील मोदी भी शपथ लेंगे, सब अभी कुछ देर के बाद पता चलेगा। नीतीश पर तो तस्वीर साफ थी, अब मुहर भी लग गई, लेकिन अभी भी बीजेपी में एक उठा पटक चल रही है, वो उठा पटक उप मुख्यमंत्री के नाम पर। अब तक तय नहीं हो सका है कि बिहार में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ही रहेंगे या किसी और के नाम का ऐलान होगा। डिप्टी सीएम होंगे कि नहीं? डिप्टी सीएम होंगे कि नहीं? जो भी होगा आपको समय पर जानकारी दे। संवाददाता सवाल करते रहे और रक्षा मंत्री टालते रहे, खुद सुशील मोदी भी सवाल का जवाब देने से कतरा गए। उप मुख्यमंत्री के नाम पर बरपा ये सन्नाटा बिहार की सियासत में सस्पेंस को लपेटे हुए। रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत झा, पटना आज तक। तो कहीं खुशी कहीं गम जैसा माहौल है, क्योंकि आपको बता दें अब तक डिप्टी सीएम रहे सुशील कुमार मोदी की ओर से जो ट्वीट किया, गौर फरमाए, उन्होंने लिखा है कि कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता, इसके जरिए दिल का जो दर्द है वो उन्होंने सामने रखा है। इन सब पर चर्चा के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं शहनवाज हुसैन साहब, राजीव रंजन जी प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं, चित्रंजन गगन आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट आशुतोष भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन ये देखिए ट्वीट सुशील कुमार मोदी का, उनकी ओर से लिखा गया है, भाजपा एवं संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा, मिलेगी उसका मैं अच्छे से निर्वहन करूंगा, कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता। और इस सवाल के साथ मैं आऊं शहनवाज हुसैन जी आपके पास, लेकिन उसके पहले तारकिशोर जी से, जिनको माना यह जा रहा है कि डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी जा सकती है, उनसे बातचीत की हमारी संवाददाता, क्या कहना चाहेंगे सर?
नहीं देखिए, दल ने एक कार्यकर्ता को दायित्व तो दिया है और उसका जो विधायी कार्य है या सदन में दल के नेता के रूप में जो भी कार्य है उसका बखूबी उसका निर्वहन करेंगे। उप मुख्यमंत्री के लिए भी आपका नाम चल रहा है, क्या आप अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वो हमारे नेतृत्व को और माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करते हैं। आप पिछली बार सुशील कुमार मोदी विधानमंडल दल के नेता चुने गए थे, इस बार आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्या लगता है कि बीजेपी नेतृत्व यहाँ पर बदलाव के लिए प्रयासरत है और आप उसके लिए बड़ा चेहरा है? उस पर कुछ नहीं कर सकते, हम इतना ही जानते हैं कि एक कार्यकर्ता को एक सम्मान मिला है या दायित्व मिला है, सम्मान से ज्यादा यह दायित्व है और उस दायित्व का बोध है, उसको हम बेहतर ढंग से निभाएंगे। फिर उप मुख्यमंत्री के लिए कोई बात, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ठीक है, तो उप मुख्यमंत्री के लिए कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तारकिशोर जी हैं जिनको बिहार में बीजेपी का विधानमंडल दल का नेता चुना गया है। पिछली बार ये पद सुशील कुमार मोदी के पास था लेकिन इस बार ये बदलाव हो गया है। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, आज तक पटना। बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले नाम के साथ सामने आती है और आपको बताते चले, तारकिशोर प्रसाद जो कि कटिहार शहरी क्षेत्र से विधायक हैं, उन्होंने आज तक से बातचीत की है डिप्टी सीएम का। जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने टाल दिया लेकिन नेता चुने जाने पर पहली बार बोले तारकिशोर। उन्होंने कहा कि ये दायित्व है, ये सम्मान की भी बात है। और इस वक्त हमारे साथ रेणु देवी जी, बेतिया शहरी क्षेत्र से विधायक और साथ ही उप नेता चुने गई है। रेणु देवी जी बहुत स्वागत है आज तक पर आपका, और मेरा पहला सवाल आपसे ही, उप नेता चुने जाने की ये बड़ी और नई जिम्मेदारी आपको दी गई है, किस तरह से देख रही हैं आप इसे? देखिए, हम लोग कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के रूप में हम सब विधानमंडल में हम गए हैं चुनके, तो निश्चित रूप से विधानमंडल का हम लोग का दायित्व है कि बिहार का विकास कैसे होगा और बिहार के विकास में काम करेंगे। माना जा रहा है कि किसी महिला को उप मुख्यमंत्री बना सकती है बीजेपी, क्योंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया है बीजेपी को, तो रेस में सबसे आगे और पहला नाम तो आप ही का है? मुझे पता नहीं है इस बारे में, मेरी पार्टी जो जो दायित्व देती है हम लोग उसको, मेरे को कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं आप? सारी जब मिलेगी तब ना, हम कभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रेणु देवी जी, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, बेतिया शहरी क्षेत्र से आप विधायक चुनकर आई हैं और आप जी पार्टी जो देगी उसको स्वीकार है, पार्टी जो देगी आप उसको स्वीकार करेंगी, लेकिन आपको उपनेता बनाकर महिलाओं में एक बड़ा मैसेज तो देने की कोशिश की गई है बीजेपी की ओर से। महिलाओं का काम तो करती है मेरी पार्टी हमेशा, जब भी हम लोग की एनडीए सरकार रही हमें 50% आरक्षण मिला, महिलाओं को टीचर में 50% आरक्षण मिला, तो जो हमारे जो परिषद और इसके जो चुनाव हो रहे हैं उसमें हमें 30% और 50% का हमें आरक्षण मिला। तो महिलाओं का काम तो शुरू से ही एनडीए की सरकार और भाजपा और हमारे जदयू और अलायंस पार्टी मिलकर करते हैं, तो उससे निश्चित रूप से हम उसे बहुत अच्छी खुशी से हैं। लेकिन अलायंस में भी बीजेपी इस बार बहुत मजबूत हो गई है ना, कहां 74 पे आप लोग हैं, 43 पे जेडीयू है, तो माना यही जा रहा है कि हर जगह आप लोगों का दबदबा रहेगा। ऐसा हमारा है, तो भाइयों में भी जो ज्यादा काबिल होता है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी होती है। नहीं वो ठीक है, हमारा हमारे बड़े भाई काम किया है, करते रहेंगे। अब डिप्टी सीएम के पद को लेकर कोई जानकारी आपको मिली है क्या, मतलब आपसे कोई चर्चा इस बारे में कोई हुई है? मुझे तो अभी तक कोई जानकारी नहीं है, अभी तक कोई इस बारे में चर्चा नहीं हुई है। अच्छा, एक और सवाल, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब जीत हुई थी और दिल्ली में जब उन्होंने धन्यवाद बिहार करके कार्यक्रम में शिरकत की थी, तो उनकी ओर से जो महिलाएं साइलेंट वोटर हैं उनका धन्यवाद किया गया था, तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर बीजेपी को खासतौर से दूसरे और तीसरे चरण में महिला मतदाताओं का बहुत ज्यादा साथ मिला है, तो अब महिलाओं को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आप लोगों की होगी, क्योंकि देश से दूसरे हिस्सों की तुलना में बिहार में महिलाएं थोड़ी पीछे रह जाती हैं। नहीं, बिहार में हमारी महिलाएं मुखिया है, सरपंच है, मुख है, हमारी टीचर है, लड़की सभी बहन है, हमारी टीचर है और आगे एजुकेशन में हाई एजुकेशन कर रही है, इसलिए हम लोग हमेशा बढ़ाने की कोशिश हुई है।
पार्टी के द्वारा, इसलिए हम सभी उनको धन्यवाद देते हैं माननीय नरेंद्र मोदी। तो इसीलिए तो कहा जा रहा है ना कि जब बढ़ चढ़कर महिलाओं ने हिस्सा लिया है, महिला चेहरे को आगे बढ़ाना भी है भारतीय जनता पार्टी को आगे की पॉलिटिक्स के लिए भी, तो उसमें सबसे सही नाम तो आप ही हैं जिनको डिप्टी सीएम के तौर पर आगे बढ़ाएगी बीजेपी और महिलाओं का वोट पाएगी। निश्चित रूप से जो हम लोगों का देखिए, ये हम लोग कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता को आप जहाँ लगा लीजिएगा कार्यकर्ता वहीं खड़ा रहता है। हम लोग सेवा के भाव से बीजेपी सेवा करती है, बीजेपी कोई राजनीति नहीं करती है और ना कभी वो अपने को देखते हैं, कभी अलग हो सकता है कि सेवा का काम करने का काम मुझे दायित्व है। आप देखे होंगे हर बार भाजपा सेवा का काम करती है और हम लोग भी वही सेवा का काम करते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया रेणु देवी जी, आपको आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। रेणु देवी उपनेता जिनको चुना गया है भारतीय जनता पार्टी ने और आप बेतिया शहरी क्षेत्र से विधायक भी हैं, उन्होंने आज तक से बातचीत करते हुए बार बार जब ये सवाल डिप्टी सीएम का जाता है, चूंकि सुशील मोदी का पत्ता कट चुका है, ऐसे में डिप्टी सीएम किसको बनाया जाएगा, इसको लेकर तारकिशोर प्रसाद भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, रेणु देवी भी पत्ते नहीं खोल रही हैं। वैसे माना यही जा रहा है कि हर बार नए और चौंकाने वाले नाम के साथ बीजेपी सामने आती है, तो क्या इन दोनों में से किसी एक को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी या दोनों को ही जिम्मेदारी सौंपी जाएगी या फिर एक ऊंची जाति से और एक अति पिछड़ी जाति से या पिछड़ी जाति से किसी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और फॉर्मूला उत्तर प्रदेश वाला ही रहेगा, यानी कि एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन सीधे शहनवाज हुसैन जी आपका रुख करते हुए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं आप, बिहार में जो इतनी उथल पुथल चल रही है, खासतौर से बीजेपी के नेता ज्यादा ही उत्साहित हैं, एक तरफ सुशील मोदी का दर्द है, दूसरी तरफ नई जिम्मेदारी पाने वाले नेता काफी ज्यादा उत्साहित उल्लास से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, डिप्टी सीएम कौन होगा इसको लेकर आपके पास तो जानकारी होगी, अब बता दीजिए आप, बाकी खुद तो अपने मुंह से कोई बोलने को तैयार नहीं था। आप मेरे पास जानकारी चित्रा जी, मेरे पास जानकारी होती भी तब भी नहीं बताता मैं, क्योंकि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, जब तक पार्टी न कहे जब तक नहीं बताना, और आपकी बातों में वो दोनों भी नहीं आए, हम तो सुन रहे थे कि वो रेणु देवी जी या तारकिशोर जी की वो बातें आ जाएगी, अभी तो इतना है कि जो आप फुटेज दिखा रहे हैं उनके नॉमिनेशन में भी हम गए थे तारकिशोर जी के, वो नॉमिनेशन की फोटो है जो मेरी तस्वीर उनके साथ और सुशील जी के साथ दिखा रहे हैं, सफेद रंग बहुत अच्छे कार्यकर्ता है जी जी, यही इसी रंग का जैकेट पहने हुआ उसी दिन वाला, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं कि उनके नॉमिनेशन में हम गए थे, मैं उनको 1990 से जानता हूं, एक साधारण परिवार में पैदा हुए, बहुत बढ़िया कार्यकर्ता हैं, संघ के स्वयंसेवक हैं और कटिहार में लगातार जीतते रहे, उनके हर बार प्रचार में हम जाते रहे और मैं जानता हूं कि बीजेपी ने एक साधारण कार्यकर्ता को आज विधानमंडल का नेता बनाया है, हम लोग जीते हैं, 125 स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, एक एक सीट महत्वपूर्ण थी जो हम लोगों ने जीती और 126 के बहुमत से हम सरकार में जा रहे हैं, अभी विधानमंडल का नेता और उपनेता चुन लिया गया है, रेणु देवी जी बहुत सीनियर लीडर हैं, वो चुनी गई उपनेता, कौन होगा तारकिशोर जी सीमांचल के इलाके से मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं, जिस तरह से आप लोगों को शानदार जीत मिली है, मतलब बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई वो भी एक बहुत बड़े मार्जिन से जेडीयू के ऊपर। हाँ, ये आपका सुझाव हो सकता है, अभी इस तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि मुख्यमंत्री दो होंगे या एक होंगे, उप मुख्यमंत्री दो होंगे या एक होंगे, सुशील मोदी जी का मुख्यमंत्री तय है, नीतीश कुमार जी बने, उप मुख्यमंत्री कौन होगा ये आप नहीं बताएंगे, सुशील मोदी जी को क्यों काट दिया गया? देखिए उन्होंने मतलब कितना दुखी होते हुए उन्होंने लिखा भी है कि कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता, मतलब नीतीश बाबू और इनकी जोड़ी तो माना जा रहा था कि दोनों लोग साथ में बहुत अच्छा काम करते हैं, फिर आपने इनको पीछे क्यों कर दिया? वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि सब पद आते और जाते रहते हैं, एक ही पद है भारतीय जनता पार्टी में जो परमानेंट है, वो कार्यकर्ता का पद है, तो मैं भी कार्यकर्ता हूँ, वो तारकिशोर जी भी कार्यकर्ता है, सुशील मोदी जी भी कार्यकर्ता और रेणु देवी जी भी कार्यकर्ता, हमारे यहाँ जितने लोग हैं कार्यकर्ता, नेता तो सिर्फ कांग्रेस वांग्रेस में होते हैं, हमारे यहाँ तो एक नेता है नरेंद्र मोदी जी, हम सब कार्यकर्ता हैं, उनके साथ काम करते हैं और कार्यकर्ता से ही नेता बनते हैं, इसलिए उन्होंने लिखा कि कार्यकर्ता के पद पे हैं और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में कोई आपसी बातचीत में भी नहीं कहता है कि मैं
इतने दिन से नेता हूं, सब लोग कहते हैं हम इतने दिन से कार्यकर्ता है। हाँ, लेकिन उसमें उनका दर्द है ना कि ये पद तो कोई छीन नहीं सकता, उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं, यानी कि जो पद छीना गया है उसके जवाब में ये उनकी ओर से बातें रखी गई हैं। लेकिन अब मैं सीधे चित्रंजन गगन जी आपका रुख कर लेते हुए, आरजेडी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चित्रंजन जी, कल ताजपोशी होने जा रही है सातवीं बार नीतीश कुमार की, वहीं बीजेपी ने यह बड़ा फेरबदल किया है, माना जा रहा है डिप्टी सीएम सुशील मोदी नहीं होंगे, किसी नए चेहरे के साथ बीजेपी आगे बढ़ सकती है, तो बिहार के विकास के लिए कैसे देख रहे हैं? मतलब नया चेहरा है, कुछ चेंज होगा तो कुछ अच्छा ही होगा ना, किस तरह से देख रहे हैं बीजेपी के इस फैसले को आप? देखिए चित्रा जी, एक कहावत है, प्रसन्ने ग्रह से मक्षिका पास। अभी सरकार का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ है, डिप्टी सीएम को लेकर जो अंदर की बातें आप भी समझ रही हैं, शहनावाज साहब ज्यादा जानते होंगे। सुशील मोदी जी तो सवेरे नाराज थे, ट्वीट भी नाराज वाली है, लेकिन भाजपा ने तो महसूस किया कि सुशील मोदी के खिलाफ काफी जनाक्रोश है, काफी न केवल जनता में भाजपा के भी जो वर्कर थे काफी नाराज थे कि डिप्टी सीएम कम और भाजपा के नेता कम, ज्यादा शहनावाज भाई सुन लीजिए, ज्यादा मुख्यमंत्री के प्रवक्ता थे नीतीश जी के। खैर बदलाव हुआ है, लेकिन जो अंतर विरोध है, अब जो तीसरी पार्टी है, जो विधानसभा में तीसरी पार्टी है उसका मुख्यमंत्री होगा। अब आप सोच सकती हैं कि जिस पार्टी तीसरे नंबर पर है उसका मुख्यमंत्री होगा, सरकार किस ढंग से चलेगा, और नीतीश जी का जो तरीका रहा है चलाने का। अब एक चीज मैं कह रहा हूँ, नीतीश जी ने घोषणा किया है कि मैं 7 नीचे पार्ट 2 लागू करूंगा सरकार बनने के बाद में, यदि समर्थन मिला तो। और इधर भाजपा द्वारा अलग घोषणा पत्र जारी किया गया है जिसमें 19 लाख लोगों को नौजवानों को रोजगार देने की बात की गई है। नीतीश जी कह चुके हैं कि पैसा कहाँ से है, कहाँ से रोजगार मिलेगा, कहाँ से होगा। तो इस ढंग की कई अंतर विरोध है और वह दिखाई पड़ रहा है। अब जैसे एक चीज मैं चित्रा जी बताना चाह रहा हूँ, जैसे कई इसके पहले भी चर्चा में लोग हम दूसरे चैनल पर थे तो हुआ कि बड़ी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं, ऐसी बात नहीं थी। 2015 में महागठबंधन जब जीत हासिल की, 80 विधायक हमारे थे, 81 और 70 मेंबर थे जनता दल यू के, लेकिन नीतीश जी का आग्रह हुआ, लालू जी उदारता दिखाते हुए विधानसभा का अध्यक्ष जनता दल यू को दे दिए। तो यही तो सवाल है ना, नहीं, गगन साहब सुनिए ना, चित्रंजन गगन जी, अगर दूसरे नंबर की पार्टी 2015 में होते हुए आप लोग नीतीश कुमार को चेहरा मान सकते हैं, उनके पीछे डिप्टी सीएम और बाकी लालू प्रसाद यादव उनकी पार्टी चल सकती है, तो अगर इस बार वो तीसरी नंबर की पार्टी है और एनडीए में तो वो दूसरी नंबर की पार्टी हुई ना, तो फिर आप लोगों को क्यों इतना ज्यादा चुभ रहा है? नहीं, क्योंकि अब इस बार जो है उनके चरित्र से भाजपा के लोग भली भांति परिचित है, इसीलिए डिप्टी सीएम ही नहीं, स्पीकर का मामला भी फंसा हुआ है। भाजपा किसी भी कीमत पर स्पीकर उनको नहीं देने वाली है और नीतीश जी चाहते हैं कि स्पीकर का पद हमको मिल जाए। तो इस जगह से काफी अंतर विरोध है, एक दूसरे के बीच में विश्वास की कमी है। ठीक है, इसका जवाब दीजिए शहनवाज जी, उसके बाद में राजीव रंजन जी आपके पास, मतलब आप दोनों लोगों में, दोनों ही पार्टियों में विश्वास की कमी है क्या? कोई विश्वास की कमी नहीं है, एकदम भारतीय जनता पार्टी जदयू के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और आपने देखा भी कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, जिसका जिक्र अपनी तकरीर में भी उन्होंने किया है। हमारे बीच में कोई विवाद नहीं है। अब नया विवाद राष्ट्रीय जनता दल को लगता है कि इनके अंदर कुछ विवाद हो तो शायद हमें कुछ लाभ होगा, इसलिए विवाद तलाशा जा रहा है, लेकिन कोई कुछ भी तलाशे, हमारी चट्टानी एकता है, कोई उसमें दरार आने वाली नहीं है। हम लोगों ने सब कुछ तय किया है, लेकिन जो प्रिय रहे हैं नीतीश कुमार के सुशील मोदी, उनका तो पत्ता काट दिया राजीव रंजन जी, अब जोड़ी तो टूट गई बिहार में। देखिए सबसे पहले तो एक पार्टी को ये अधिकार है कि वो सरकार में हिस्सेदारी के लिए जिन्हें भी नामजद करना चाहे, ये उनको इस अधिकार के साथ अपनी बात रखनी पड़ती है। और मुझे लगता है इसमें जनता दल यूनाइटेड का की कोई भूमिका नहीं है। पहली बात, गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो भी नाम आएगा मिलकर काम करेंगे और जो विकसित बिहार का संकल्प है उसको हम पूरा करेंगे। राजद के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये जो करुण क्रंदन है, ये आर्तनाद जो है, दरअसल सत्ता के लिए जो बेचैनी थी इनकी, वो जिस तरह से जमीन पर ये आंधे मुंह गिरे हैं, मिठाइयां गड्ढे में दबाई जा रही है,
और सूट सिलवा करके बैठे पड़े थे इनके तमाम नेता गण, लेकिन बिहार की जनता ने इनको लूट का लाइसेंस देने से मना कर दिया। दरअसल चितरंजन गगन जी के बयानों को मैं सुन रहा हूं संजीव, इतने सुशील और सभ्य नेताओं की भी बदजुबानी इस कदर बढ़ी है। नीतीश कुमार जी का ही चरित्र देख रहे हैं, अपना चरित्र देखिए, कितने दलों के साथ रिश्ते बनाए और कितनों के साथ तोड़ा, ये तो बात कीजिए। हमारा तो साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ दो दशकों से ज्यादा का है, जिसमें एक बार एनडीए से बाहर आए, और आपने कितनी बार कांग्रेस के साथ रिश्ता बनाया, कितनी बार लोजपा से बनाया, माले के साथ बनाया, लेफ्ट के साथ बनाया और तोड़ा, दलों को तोड़ा, कमजोर किया। ये अगर इसकी फेहरिस्त आपको हम बताएंगे तो इस नेशनल चैनल पर काफी बहुमूल्य समय जाएगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये बातें मत कीजिए, जनादेश का सम्मान कीजिए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एक गठबंधन धर्म का निर्माण है, उसमें वो बराबर एक रोल मॉडल रहे हैं। हमारा संकल्प विकसित बिहार बनाना है, इसमें रोजगार भी है, स्वरोजगार भी है, आधारभूत संरचना भी है, प्रदूषण मुक्त बिहार भी है, जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी की जो चुनौतियां हैं उनका भी सामना करेंगे, औद्योगिक विस्तार होगा और कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व वातावरण बनने की स्थिति बनती जा रही है। तो मुझे नहीं लगता है ये दौर पूरी तरह से इन 5 वर्षों में नकारात्मक राजनीति के लिए बिहार में कोई जगह नहीं। लेकिन जो मैंडेट मिला है उसका ख्याल भी आपको करना ही होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं बिहार में जिसको पूरा कर पाने में कहीं ना कहीं आप लोग कमजोर रह चुके, इसी वजह से 43 सीटें जेडीयू को मिली हैं। इस सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अब मैं सीधे आशुतोष जी करो करूंगी। राजीव जी देखिए, अब हम साक्षरता दर पे बात करेंगे तो नीचे से तीसरे नंबर पर आते हैं। ठीक है, बोल लीजिए। इसलिए वो चीजें कोई जैसी बात नहीं। सब बिहार के बहुत सारे हिस्से में चुनाव के दौरान मैं घूमकर आई हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिसको उम्मीद है कि आप लोग जल्द ही पूरा करेंगे, जो बाढ़ 2-3 महीने पहले आई हुई थी उसका जो 6,000 रुपए एक एक परिवार को देना था ना सर, वो भी अभी लोगों तक नहीं पहुंचा है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि कम से कम जो वादा किया गया था उस वादे को आप लोग ईमानदारी से पूरा करेंगे। लेकिन हमारे पास तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के पूरे स्टेटिस्टिक्स हैं जो मैं आपको दे दूंगा सर, हमने चलाया भी है चैनल पे सर। राजीव जी, मैं तो बस रिक्वेस्ट कर रही हूं, क्योंकि जो भी नई सरकार आती है वो नई उम्मीदें लेकर आती है, और नई उम्मीदों में उन पुराने वादों को भी जल्दी से पूरा किए जाने की उम्मीद छिपी होती है, इसलिए मैं ये बातें कह रही हूं। हालांकि इसका दौर खत्म हो गया है, सरकार नए सिरे से आगे बढ़े इसका दौर शुरू हो चुका है, और अब तो डिप्टी सीएम का चेहरा बदल जाने से आशुतोष जी क्या हो जाएगा बिहार में, क्योंकि बीजेपी सारा पसोपेश सारी लड़ाई इसी बात को लेकर कर रही है इस वक्त। देखिए, बीजेपी आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड से काफी बड़ी पार्टी है, तो जो उसने संकेत दे दिए हैं विधानमंडल दल के नेता और उपनेता के माध्यम से वो बिल्कुल स्पष्ट है। दो चीजें, पहली बात ये कि बीजेपी अब बिहार के अंदर नई लीडरशिप खोज रही है, और ये नई लीडरशिप पोस्ट नीतीश के एरा में बीजेपी को कहां तक पहुंचा सकती है, कि अपने बल पे सरकार बना सकती है या नहीं बना सकती, उसकी एक कवायद शुरू हो गई। ये राजीव रंजन जी जनता दल यूनाइटेड के लोगों को पसंद हो या ना पसंद हो। दूसरी बात, जब आप दो लीडर्स की बात करते हो, जैसा कि पूरी सूत्रों के हवाले से खबर है वो यही है कि दो डिप्टी सीएम होंगे, इसका मतलब ये है कि नीतीश जी को पूरी तरीके से स्वतंत्र रह के काम करने की इजाजत नहीं होगी, और उनके इर्द गिर्द शिकंजा कसा हुआ है, और ये होना भी चाहिए, होना इसलिए चाहिए क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी के नेता नहीं है, वो तीसरे नंबर की पार्टी के नेता है, तो जाहिर सी बात है जो पार्टी उनसे बड़ी है और करीब 30 सीटें उनसे उनके पास ज्यादा है, तो उनका सत्ता में शेयर भी उतना ही होना चाहिए। तो नीतीश कुमार जी जनता दल यूनाइटेड अगर ये सोचे कि वो उसी ऑटोनॉमी के साथ काम करेंगे जैसे अभी तक पिछले 15 साल काम करते रहे हैं, जब बीजेपी नंबर 2 की पार्टी की भूमिका में रहा करती थी, तो वो असंभव सी स्थिति है। तीसरी बात, मुझे लगता है स्पीकर का जो पद है वो भी बीजेपी अपने पास रखना चाहेगी, तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जरूर होंगे। बीजेपी नीतीश कुमार के बाद के बिहार पर अपने आप को फैलाने की और अपनी लीडरशिप को खोजने की तलाश उसने शुरू कर दी है, जिसमें सुशील मोदी फिट फिलहाल नहीं बैठते हैं ऐसा लगता है। और तीसरी बात साफ है कि अब बीजेपी जो है वो देर सवेर जो है वो अपने बल पे सरकार अभी नहीं तो आगे जरूर कोशिश करेगी। ये बड़ी बातें कह रहे हैं राजीव जी, मुझे लगता है एक छोटा सा जवाब इस पर आप दे दीजिए, उसके बाद मैं ब्रेक के लिए जाऊंगी। राजीव रंजन जी देखिए, मुझे आशुतोष जी से कोई अपेक्षा नहीं है कि नीतीश कुमार जी की कभी वो तारीफ करेंगे, हम लोगों के बीच 5वीं 6वीं बार हम लोग बैठे हैं और एक्सपर्ट की भूमिका में वो कभी दिखते नहीं है, वो ऐसे कटु आलोचक के तौर पर नीतीश कुमार जी की व्यक्तिगत तौर पर आलोचना करते हैं जिसमें राजनीति
ज्यादा है ये। जो विचार मीमांसा की गुंजाइश कम दिखती है और एक विचारवान पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, इनके साथ मैंने कई डिबेट्स किए हैं, लेकिन आप पार्टी के साथ जुड़ाव और वहां से निकलने के बाद वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ईमानदार विश्लेषण करने में इन्हें कठिनाई होती है। राजनीतिक विश्लेषक में राजनीति और राजनेता आपको ज्यादा मान लिया है, विश्लेषक कम मान लिया है। आशुतोष, इसको जवाब आप जरूर दीजिएगा। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन सवाल बड़ा यही है कि क्या दो डिप्टी सीएम बनाने के राह पर आगे चल पड़ी है बीजेपी, और इसके जरिए दरअसल शिकंजा सरकार पर कसा जाएगा। आप मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार होंगे जरूर, लेकिन 43 सीटों के साथ वो पीछे हैं, 74 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे है, और इसी वजह से इतनी लंबी लड़ाई इस वक्त देखने को मिल रही है। टूट गई जोड़ी, लगातार इसी बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार कल शाम 4:30 बजे शपथ लेने जा रहे हैं सातवीं बार, लेकिन डिप्टी सीएम के तौर पर सुशील मोदी अब उनके साथ नहीं होंगे। सबके बीच आपको बता दें, सुशील मोदी पर गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया है, उनकी ओर से सुशील कुमार मोदी के ट्वीट को रीट्वीट करते हैं। सुशील जी, आप नेता हैं, उप मुख्यमंत्री का पद आपके पास था, आगे भी आप भाजपा के नेता रहेंगे, पद से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। गिरिराज सिंह की ओर से यह ट्वीट किया गया है, सुशील कुमार मोदी ने जो ट्वीट किया उसको रिट्वीट करते हुए, और आगे गिरिराज सिंह जी जो कि केंद्र में मंत्री हैं उनकी ओर से लिखा गया है, तारकिशोर जी आप आज विधानमंडल दल के नेता सर्वसम्मति से चुने गए हैं, आप सर्व समाज को लेकर चलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, महादेव आपको सफलता दे। तो गिरिराज सिंह के आखिरी वाले ट्वीट से कयास लग सकते हैं कि दरअसल उप मुख्यमंत्री का पद तारकिशोर प्रसाद जी को दिया जा सकता है, जो कि कटिहार शहरी क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं और विधायक दल के नेता भी बनाए गए हैं। लेकिन रेणु देवी जिनको उपनेता बनाया गया है बेतिया शहर से, वो विधायक चुनी गई हैं, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने, सुनिए। बीजेपी विधायक दल का उपनेता रेणु देवी को बनाया गया है, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। रेणु जी, सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि आपको उपनेता के रूप में चयन किया गया। जी धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता को कोई भी पद मिलेगा उससे क्या होगा, हम सभी काम करते हैं, काम में पद मिलता है उसका निर्वहन निश्चित रूप से अच्छे से करते हैं। आपका नाम उप मुख्यमंत्री के लिए भी चल रहा है? भैया जी, मेरे को ये पता नहीं है कि उप मुख्यमंत्री का नाम है कि नहीं है, पार्टी का आदेश जो होता है हम लोग उसका सर्वसम्मान पालन करते हैं। अभी मुझे पता नहीं है कि क्या बनना है, ये जब पार्टी का आदेश होगा, जो दायित्व मिलेगा उस दायित्व को हम निर्वहन करेंगे। आप पुरानी नेता हैं, राज्य स्तर पे भी आपने काम किया है, राष्ट्रीय लेवल पे भी आपने काम किया हुआ है। निश्चित रूप से हम लोग काम करते हैं, हम लोग काम के लिए जाने जाते हैं, और काम करना तो हमारा पार्टी में हमको सेवा करना, काम करना है, तो हमारा भाजपा का कल्चर ही है। नीतीश कुमार के साथ किस तरीके के रिश्ते हैं उनके साथ? हमारे तो भैया, हम 2000 से लालू जी के भी साथ में रहे, और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश जी के 2005 में भी रहे, 2010 में भी रहे, मैं मंत्री भी, उनके कैबिनेट मंत्री भी मैं थी, कला संस्कृति की बहुत अच्छे मेरे बड़े भाई का रिश्ता है, और बड़े भाई के तरह उन्होंने बड़े एक छोटी बहन के तरह हमारे साथ सभी का व्यवहार रहता है, चाहे कोई भी दल हो, और ये तो हमारे भाई मुखिया हैं, तो ये निश्चित रूप से स्नेह से प्यार से हम लोगों को देखते हैं। तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो बड़े भाई का आशीर्वाद मिलेगा आपको नीतीश जी का? भैया अभी अभी हम कैसे कहेंगे हम बनेंगे, अब जब तक नहीं हमारा आदेश नहीं होगा पार्टी का, हम कैसे कहेंगे हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे? रेणु जी, पार्टी आपको जिम्मेदारी सौंपेंगे तो नहीं, जब जब जिम्मेदारी सौंपेगी तो निश्चित रूप से हम जिम्मेदारी उठाएंगे, और बड़े भाई होंगे, छोटी बहन ही होगी, और निश्चित रूप से बिहार के विकास के लिए काम होगा, लेकिन अभी हम कैसे कहें, अभी मैं नहीं कह सकती हूँ कि मैं कहीं हूँ। सुशील मोदी लेकिन अब नहीं रहेंगे उप मुख्यमंत्री, तो तय हो गया। मुझे पता नहीं है, इस बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है, मेरे को अपने बारे में भी पता नहीं है, भाई साहब के भी बारे में पता नहीं है, वो भी मेरे गार्जियन है, क्योंकि उन्होंने उंगली पकड़ के मुझे चलाया है। सुशील मोदी जी, उन्होंने उंगली पकड़ के, मानिए हमारे कैलाशपति मिश्रा जी, ताराकांत झा जी, सभी हमारे जितने नेता हैं, हमारे छोटे भाई सब अध्यक्ष बने, सभी हमको उंगली पकड़ के, सभी लोगों ने सीखने का मौका दिया, हम लोगों ने काम करके सीखा है और सीख रहे हैं, अभी भी जब तक रहेंगे तब तक सीखते रहेंगे। तो मतलब पार्टी आपको जिम्मेदारी सौंपेगी उप मुख्यमंत्री का, तो आप लेंगे? जब जिम्मेदारी सौंपेगी तब देखा जाए। शपथ ले सकती हैं कल आप? अब देखिए, अब हम कैसे कहेंगे शपथ लेंगे, जब सूचना आएगी तब ना हम कहेंगे कि हम उसमें हैं। चलिए, लेकिन जो जिम्मेदारी अभी मिली है उससे आप खुश हैं? हाँ निश्चित, हमें उससे खुशी है। हम लोग जिम्मेदार, हम लोग कुछ कहते नहीं है, जो जिम्मेदारी पार्टी देती है हम उसे स्वीकार करते हैं। चलिए, शुक्रिया।
धन्यवाद। तो ये रेणु देवी जी थी जिन्हें बीजेपी विधायक दल में उपनेता चुना गया है और इनका नाम भी जो है डिप्टी सीएम के लिए इस वक्त चल रहा है और वो कहती हैं कि पार्टी जो भी उन्हें जिम्मेदारी देगी वो उसे पूरी तरीके से उसका निर्वहन करेंगी। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। कल भैया दूज का त्यौहार भी है, बड़े भाई नीतीश को बार बार वो बता रही हैं, सुशील मोदी को भी ऐसा बताया। अब भैया दूज के इस त्यौहार के दिन बड़े भाई की कैबिनेट में क्या शपथ ग्रहण समारोह इनका भी होगा, माना यही जा रहा है कि एक महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर रेणु देवी को आगे किया जा सकता है। लेकिन शहनवाज जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, देखिए उप मुख्यमंत्री भी कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा कि चेहरा आप किसको रख रहे हैं, लेकिन तारकिशोर प्रसाद जी का नाम ज्यादा चल रहा है। लेकिन इससे इतर अब आगे बढ़ते हुए, कल शपथ के बाद देखिए 19 लाख रोजगार का वादा भी आप लोगों की ओर से किया गया है। अब ये जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पर होगी क्योंकि ज्यादा सीटें आपको मिली हैं और इसके अलावा फ्री कोरोना वैक्सीन का। लोग तो देख रहे होंगे कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी एनडीए में बनी है तो ये दोनों ही वादे पूरे करेगी जल्द से जल्द। देखिए, हमने जनता के सामने जो वचन दिया है एक एक वचन को पूरा करेंगे, जो वादा किया है उस पर खड़े उतरेंगे, 100% खड़े उतरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सरकारी नौकरी को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि पैसा ही नहीं है, आपका 19 लाख रोजगार का वादा कैसे पूरा होगा? रोजगार का है, हमने सरकारी नौकरी नहीं कही है, रोजगार का सृजन करेंगे। वहां बहुत से, मैंने पहले भी एक डिबेट में आपसे कहा था कि बहुत इस बार कोरोना काल में बिहार ने सीखा है कि बहुत से स्किल वर्कर हैं, यानी टेक्सटाइल क्षेत्र में जितने भी वर्कर हैं देश में उसमें 70% से ज्यादा बिहार के लोग हैं, जो त्रिपुरा, वो त्रिपुर में जाके, तमिलनाडु में जाके टेक्सटाइल हब में काम कर रहे हैं, जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसमें बहुत संभावनाएं, बिहार के पास असीम संभावनाएं हैं, बिहार और बिहारी कुछ भी कर सकता है। आपने देखा ना बिहारी कैसे लालच में नहीं पड़ा, 10 लाख रोजगार माना बिहार के लोगों ने, बिहार के लोगों की में जिसकी क्रेडिबिलिटी होती है, विश्वसनीयता होती है, उसी पर विश्वास करते हैं। आप तो घूमी हैं चित्रा जी पूरे बिहार में, यानी आप कोई नेता से कम तो नहीं घूमी है, और नेता तो हेलीकॉप्टर पे भी घूमे, आप तो बुलेट पे घूमी, हमने तो कई आपको बुलेट रिपोर्टर वाला कार्यक्रम देखा। जब अभी आपने एक ट्वीट भी किया था, आप एक गई थी कुम्हार के पास और उससे पूछा, वो कह रहा था लालटेन और फिर पत्नी ने कहा मोदी जी, और बाद में पत्नी के दबाव में वो भी आ गया कि नहीं जो कह रहे हैं सही है। तो आपने तो वो जो आपने ट्वीट किया था, मैंने उस पर लिखा भी था, और मैं वो झलक थी, ये तो कोई बीजेपी के नेता का नहीं था, नहीं तो कोई कहता कि ये तो स्पेशल बनाया गया है, आप तो सोता गई। तो जब आप प्रमाण देख कर आई हैं तो आप समझिए क्या है, वहां विश्वास बहुत मजबूत है। इसलिए हमारा सीमांचल का इलाका, जो तारकिशोर भगत जी हैं वो कटिहार से हैं, सीमांचल से हैं, और सीमांचल और मिथिलांचल ने कितना बड़ा स्वीप दिया है। अगर सीमांचल और मिथिलांचल माने यही जा रहा है ना कि एमआईएम ने वोट काट दिए महागठबंधन के, तो आपको फायदा हो गया सीमांचल में, वोट कटवा पार्टी बन गई थी एमआईएम, तो बीजेपी को फायदा हो गया वहां पर। नहीं नहीं, देखिए कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो एक बार एक जिले में 4 सीट जीती है, एक जाके अररिया में 1 सीट जीती है, और कहीं बहुत जगह वो गए, बहुत जगह कोई मानने वाला नहीं उनको, वहां पर जीते उसके अपने कारण थे कि कांग्रेस आरजेडी वहां के मुस्लिम को अपना गुलाम समझती है कि हम टिकट दे देंगे और लोग वोट दे देंगे, यही समझते थे, कभी कोई काम नहीं किया इन लोगों ने। मैं किशनगंज से सांसद रहा हूं तो उन लोगों ने देखा दिया कि आपके आपकी गुलामी नहीं है, अब आप अगर काम नहीं करेंगे तो सिर्फ जात धर्म और बीजेपी का डर दिखाकर वोट नहीं ले सकते आप। नहीं नहीं, चुप हो गए आप, जवाब दीजिए। उन्होंने कहा है कि भरोसे को वोट किया है बिहार की जनता ने, आप लोग 10 लाख सरकारी नौकरी को लेकर भरोसा पैदा नहीं कर पाए और 19 लाख रोजगार पर मोहर लगा दी जनता ने। जी बोलिए बोलिए। देखिए, भाजपा और जनता दल यू के लोग कभी भी इन लोगों को जनादेश पर भरोसा नहीं रहता। राजीव रंजन जी की बात मैं सुना और शहनवाज साहब का बात सुन रहा था, ये भूल जाते हैं कि महागठबंधन से चाहे जिस प्रकार से वो बहुमत इनको मिला, मैं उस पर नहीं चर्चा करने जा रहा हूं, लेकिन एक चीज जरूर याद करने जा रहा हूं कि महागठबंधन से मात्र 0.1% वोट इनको ज्यादा मिला है, टोटल वोट में मात्र 12,000 वोट हमसे ज्यादा मिला है। उसके बाद जिस ढंग से जैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं
एक तरफ अकेले तेजस्वी यादव, दूसरे तरफ भारत के इतने शक्तिशाली प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और दर्जनों सीनियर सीनियर नेता लोग, और उसके बाद जो है तो बिहार की जनता उस ढंग से मैंडेट दिया, भले ही 0.1% हमसे ज्यादा उनको वोट आया है, कैसे आया मैं उस पर नहीं कर रहा हूँ। अब उसके बाद नहीं, उसके बाद उसका सम्मान करना नहीं जानते हैं। आखिर वह वोट जो शाहनवाज जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। गगन साहब मैं फौरन आ रही हूँ, रेणु देवी जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं, सीधे मैं उनका रुख कर लेती हूँ। चूंकि रेणु देवी जी को लेकर तरह तरह के कयास लग रहे हैं, राजनीति के गलियारों में चर्चा बहुत तेज है। रेणु जी बहुत स्वागत है आज तक पर आपका, और बधाई दे दी जाए कि कल मंत्री पद की शपथ ले रही हैं आप शाम 4:30 बजे। करती हूँ, हमारी पार्टी का जो आदेश होता है उस आदेश का हम पालन करते हैं, तो जब पार्टी का आदेश आएगा तो निश्चित रूप से उसका पालन होगा। अब तक क्या आदेश दिया गया है? अभी तो उपनेता बनी हूँ विधानमंडल की जी, मैं उपनेता अभी हूँ विधानमंडल की। महिलाओं को तो बढ़ चढ़कर बोलना चाहिए ना कि हाँ हमें जिम्मेदारी दीजिए, मैं हर एक जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं। तो उप मुख्यमंत्री को लेकर आपके नाम की चर्चा है, तो आपने क्या कहा है आला कमान से कि मैं तैयार हूं या देखिए क्या बोला है? देखिए हमारे यहाँ महिलाओं का बहुत सम्मान होता है, ठीक है? हमारे एनडीए सरकार में महिलाओं का बहुत सम्मान होता है, और एनडीए सरकार में आप देखी होंगी या बीजेपी में आप देखी होंगी, मैं जिला से लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक थी एक साधारण महिला, एक अति पिछड़ा की बेटी, जिसको पार्टी ने इतना सम्मान दिया। मैं 4 बार विधायक रही, इस बार 5वीं बार विधायक हूँ, इसके पहले भी मैं कैबिनेट मिनिस्टर रह चुकी हूँ। ये सम्मान हमारे एनडीए की सरकार भारतीय जनता पार्टी की ने हमें दिया है, तो इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता के नाते जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसको स्वीकार करके हम काम करते हैं। आपकी बात ठीक है, आपने कहा कि पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, उसी जिम्मेदारी का आप निर्वहन करेंगी, लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे यह है, देखिए राबड़ी देवी जी के बाद कोई ऐसा नाम या चेहरा महिला का नजर नहीं आता है जिन्होंने बिहार का एक तरीके से नेतृत्व किया हो, उप मुख्यमंत्री के तौर पर ही सही। अगर आपके नाम को आगे बढ़ाया जाएगा तो आप क्यों नहीं कहते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं इसके? देखिए आप राबड़ी देवी से सुनिए, आप राबड़ी जी की तुलना नहीं कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है? राबड़ी जी हमारी सम्मानीय है, हमारी मुख्यमंत्री थी, उनके भी मुख्यमंत्री के काल में मैं काम की हूँ, इसलिए मैं उनका बहुत ही ये करती हूँ, रिगार्ड करती हूँ। लेकिन जो अपने एनडीए काम करने का जो हमारा अलग एक काम है, जो कि विकास लेके जो बिहार में विकास हुआ है, और आज पूरे विकास दिखाई पड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से हम कंधे से कंधे मिला के विकास का काम करने का, आगे भी काम करने का योजना करेंगे, लेकिन जब पार्टी का आदेश होगा तब। लेकिन अगर प्रदेश की आधी आबादी बढ़ चढ़ कर पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट करती है, क्योंकि अगर सिर्फ पहले फेज को हम छोड़ दें तो दूसरे और तीसरे चरण में तो 10% महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग में हिस्सा लिया, और आप लोगों को ज्यादा सीटें भी मिली हैं जब सीमांचल और बाकी एरिया में चुनाव हो रहा था। ये हम कह रहे हैं ना, इसीलिए कह रहे हैं कि महिलाओं को ज्यादा ध्यान दिया हमारे केंद्रीय नेतृत्व से लेके बिहार सरकार के नेतृत्व, हमारे माननीय मोदी जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जितना ध्यान रखा है महिलाओं के ऊपर, हमारे के बिहार सरकार के एनडीए सरकार ने जितना महिलाओं के ऊपर ध्यान दिया है, निश्चित रूप से महिलाएं काम करेगी, महिलाएं विकास का काम चाहती है, महिलाएं सुरक्षा का काम चाहती है, महिलाएं अपने डिपेंडेंट होने का काम चाहती है। अगर 50% आरक्षण मिला तो इसी सरकार में मिला है, दूसरी सरकार में तो नहीं मिला है। अगर हमें राशन पानी जो भी आज कोरोना काल में मिला है इसी सरकार में मिला है, आज हमें जो शिक्षक में 50% आरक्षण मिला इसी सरकार में मिला, तो निश्चित रूप से महिलाएं एक विश्वास है कि भाजपा जो है और एनडीए जो है उसके साथ में रहने से हमें ज्यादा सुरक्षा, हमारी एजुकेशन, हमारा सब तरह से जो काम बढ़ रहा है उसमें वो भागीदारी कर रही हैं कि फिर एनडीए सरकार बने और आगे हम काम करते रहें, हम सुरक्षित रहें, हमारा बाल बच्चा सुरक्षित रहे और विकास की ओर हम बढ़ते रहें। कल भैया दूज का त्यौहार है, नीतीश कुमार को आप बड़ा भैया बताती हैं, सुशील मोदी को भी बताती हैं, तो भैया दूज के त्योहार पे कुछ तो आप चाहेंगे ना कि कुछ गिफ्ट मिले आपको? मानते हैं हम। हाँ निश्चित रूप से हमें उन्हें बड़े भाई मानते हैं, उन्होंने आज उपनेता हमें सभी हमारे विधायक जी लोगों ने मिलके सभी हमारे एनडीए के नेताओं ने चुना है, इसलिए मैं उनको सहृदय सभी को धन्यवाद देती हूँ।
तारकिशोर जी और रेणु देवी, आपको दोनों लोगों को लेकर कहा जा रहा है कि दो उप मुख्यमंत्री बीजेपी बनाने जा रही है बिहार में। मुझे अभी तक सूचना नहीं है, बस मैं आपकी टीवी देख रही हूँ, मुझे सूचना नहीं है। मतलब तैयार है ना आप इसके लिए, अगर सूचना मिल जाती है तो? देखिए दायित्व तो मिलेगा तो निर्वहन करने के लिए निश्चित चढ़ बढ़ के हम लोग तैयार रहेंगे। महिलाएं कहाँ कमी रहती है, झांसी की रानी अपने बच्चों को पीठ पर लाद के जब काम कर सकती है तो इसी देश की मिट्टी की ना महिला हम लोग हैं। बहुत शुक्रिया रेणु देवी जी, और शुभकामनाएं भी आपको आगे के लिए। झांसी की रानी का आपने एग्जाम्पल दिया और ये भी कहा कि जो भी जिम्मेदारी आपको दी जाएगी पूरी तरह से उसके लिए आप तैयार हैं। आप बीजेपी को फैसला लेना है कि क्या दो उप मुख्यमंत्री बनाकर बिहार को आगे लेकर जाना चाहती है पार्टी, क्योंकि एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी और जाहिर तौर पर माथापच्ची इसी बात को लेकर की जा रही है कि डिप्टी सीएम किसको बनाया जाए। नाम तय हो चुका होगा यकीनन, लेकिन अभी सामने आना बाकी है। इस खबर पर रहेगी आज तक की नजर, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।